अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी एस एस प्रिपरेशन फॉर यू के अंदर हम जैसे कि आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी और शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं आई आर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। तो आज हम जिस मौजू के साथ जो है यहाँ पर हाजिर हुए वो है टेक्नोक्रेसी। ये भी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है, इसको भी एक तश्कील दी गई है कि ये भी एक गवर्नमेंट की किस्म है। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। ये बताता है कि आ गवर्नमेंट वेयर साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट आर इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट, वेयर रूलर्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज स्किल रेदर देन वेल्थ पावर। यानी ये कहता है कि एक ऐसी हुकूमत जहाँ साइंसदान तकनीकी माहरीन रियासत के कंट्रोल में हो, यानी ऐसे कह लें कि हुकूमत जो होती है वो एक ऐसी हुकूमत जो साइंसदानों और माहरीन जो होते हैं रियासत के कंट्रोल में होते हैं, यानी जहाँ हुक्मरानों को इंतखाब दौलत की ताकत के बजाय उनकी इल्मी महारत की बुनियाद पर किया जाता है। यानी एक ऐसे साइंसदान या ऐसे लोग जिनके पास टैलेंट हो, इल्म हो, ताकत हो, तो उस बिना पर ये जो हुकूमत की जाती है, ना कि दौलत की बुनियाद पर। कुछ हुक्मरान जो कुछ हुकूमतें होती हैं वो पैसों के ऊपर जो है वो चलती है, जबकि ये वाली जो टेक्नोक्रेसी ये साइंसदानों की तकनीकी और महारत और उनकी इल्मी महारत की बुनियाद पर ये चलती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टेक्नोक्रेसी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। दुआ कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।